तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयप्रकाश और आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उससे रिलेटेड है, SC1 का एग्जाम जो होने वाला है उससे भी रिलेटेड है और प्री बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड है। सभी में आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से, तो बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन जो है मिस कर जाएंगे। तो चैप्टर का जो नाम है वो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। न अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने दो वीडियो डाल रखा है, मतलब एक वीडियो डाल रखा है सॉरी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको दो चैप्टर समझा रखे हैं, दो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही दिया है क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि आंसर भी लिख दें हम, ठीक है। और ये तीसरा और चौथा मतलब चैप्टर होने वाला है, तीसरा वीडियो इसके बाद आएगा, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो देख लीजिए चैप्टर 3 है हमारा बंधुत्व जाति तथा वर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन। मेरा नाम है जयप्रकाश, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन निकलता है 4 मार्क्स का वो ये निकलता है कि धर्म जो धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका जो होती है उससे जुड़े नियमों का वर्णन कीजिए। जो जीविका से जुड़े जो नियम है उनका वर्णन करना ही कटा हुआ है, ठीक है। दूसरा है ब्राह्मणीय पद्धति में गोत्र के लिए क्या नियम निर्धारित थे, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि इनका जो हमेशा पालन नहीं होता था, एक उदाहरण देकर आपको इसको स्पष्ट करना है। लीजिए आप पढ़ लीजिए एक बार अगर आप पढ़ना चाहें तो, वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला जो है वो ये है कि मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य का वर्णन करना है आपको। मनुस्मृति जो थी उसके हिसाब से चांडालों के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं एक बारी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करें, महाभारत जो है उसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना है आपको 8 मार्क्स में। दूसरा 8 नंबर का क्वेश्चन वो ये है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि क्या हमेशा क्षत्रिय राजा होते थे, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है लेकिन 100 में से 70% चांसेस है, लेकिन एक बार कर लीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है जाता ये। बहुपत्नी विवाह इस तरह के 4 टाइप के विवाह होते हैं मेनली, और ऐसे तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुपति विवाह महाभारत का अभिन्न अंग है, लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है, किस प्रकार किया है, ये भी एक 8 नंबर का बनता है आपका, ये बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा चैप्टर जो है हमारा वो है विचारक विश्वास और इमारतें। विचारक विश्वास और इमारतें वाला चौथा चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम। 4 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले देखेंगे हम। बौद्ध धर्म के तेजी से प्रचार प्रसार होने के किन्हीं 5 कारणों का संक्षेप में वर्णन करें। बौद्ध धर्म का जो तेजी से प्रचार प्रसार हुआ उसका वर्णन करना है आपको 5 कारण दे करके। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो ये बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन दर्शन का महत्वपूर्ण अवधारणा का संक्षेप में वर्णन करना है आपको, ठीक है, संक्षेप में वर्णन करना है। तीसरा जो है वो है कि बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में किस प्रकार समझ जो है बनानी पड़ी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। अब आते हैं बड़े क्वेश्चनों पे, 8 नंबर का क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से 8 नंबर का वो ये है कि वैष्णववाद तथा शैववाद के रूप में पौराणिक हिंदू धर्म का विकास कैसे हुआ, संक्षिप्त में विवरण दें, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये है कि 110% जो बनने वाला क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए गए, विस्तार से समझाइए, 8 नंबर का बन जाता है आपका ये क्वेश्चन। अगला है वो है सांची का स्तूप बच गया लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, विस्तार पूर्वक बताना है आपको सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, ये बताना है आपको। 7वां जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो ये बनता है कि जैन धर्म के उद्भव के बारे में बताइए, ठीक है, इसकी प्रमुख शिक्षाएँ क्या थी, ये बतानी है आपको, ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर आप हमारे चैनल पर नए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपको बेल का आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।